अन्य खबर शामिल करते हैं लाहौर से। काहना में दो सगी बहनों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के हैरान कुन इंकशाफात। दोनों बहनों का कत्ल 26 साल सादा और उसकी बहन 28 साल आबदा। दोनों बहनों की गला कटी लाशें गंदे नाले से मिली। लाहौर काहना में दो सगी बहनों के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए दोहरे कत्ल के पीछे वजूहात बताते हुए हैरानकुन इंकशाफात कर दिए हैं। इस पर मजीद जानते हैं सैयद ताहिर महीउद्दीन से। जी, तफसील के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजम का इतराफ़ जुर्म करते हुए कहना था कि उसका मकतूला साजदा के साथ गैर अखलाकी ताल्लुकात थे और मकतूला साजदा ने उसे अपने घर बुला कर उसकी वीडियो बनाई थी, जिसको इस्तेमाल करके वो उसे ब्लैकमेल किया करती थी। इतराफ़ बयान में मुलजम ने बताया कि साजदा ने अपने ससुर के 40वें के लिए मुझसे 10,000 रुपये उधार मांगा था, जिस पर मैंने अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले अपने दोस्त के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और साजदा को पैसे लेने के लिए स्वयं आसिम बुलाया, जहां पर वो अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर दोनों बहनों को करीब के खेत में दोनों बहनों को रस्सियों के साथ बांधकर उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और दोनों बहनों की लाश करीब नहर में फेंक दी और दोनों मौका पर फरार हो गए। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल काहना से दो शादीशुदा बहनों की लाश नाले से बरामद हुई थी। दोनों बहनों 26 नवंबर से लापता थी। लाशें मिलने के बाद आईजी पंजाब की हिदायत पर सीसीपीओ ने केस की तहकीकात तेज़ी से आगे बढ़ाने की हिदायत की थी, जिसके बाद मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया।